तो गाइस इस हॉर्न एलिवेट को रेडी करने में हम लोगों ने जितना टाइम दिया है शायद अभी तक किसी गाड़ी में दिया होगा, क्योंकि कस्टमर ने बहुत ही ट्रस्ट के साथ ये गाड़ी हमें हैंडओवर कर दी थी कि आपकी गाड़ी है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे रेडी करो। और एक्चुअल में इस गाड़ी को हम लोगों ने बहुत ही तरीके से, बहुत ही प्यार के साथ रेडी किया है, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस रहे, बट अगर आप इसका इंटीरियर और बाहर का लुक देखोगे तो एक्चुअल में आपको मज़ा आ जाएगा गाड़ी देख के कि सच में ये होंडा एलिवेट ही है। नोएडा और मैं हूं कृतिका, और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं होंडा एलिवेट का इंटीरियर और एक्सटीरियर मॉडिफिकेशन। लेकिन मैं इसमें सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देती हूं, जो ये गाड़ी है वो हमारे पास कस्टमर द्वारका के रहने वाले हैं, लेकिन गाड़ी उनकी जो डिलीवर हुई है वो नोएडा के शोरूम से हुई थी। तो गाड़ी हमारे पास सीधा आई है, ये आप बोल सकते हो द्वारका से, और इसको हम लोगों ने कम्प्लीटली चेंज किया है, और कस्टमर की ने बहुत ट्रस्ट के साथ ये गाड़ी हमारे पास छोड़ी है, और बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने केयर के साथ इस गाड़ी को रेडी किया है। तो इसके अगर आप पहले एक्सटीरियर लुक देखोगे तो एक्सटीरियर लुक में आपको सबसे पहले इस गाड़ी में इंटरेस्टिंग लगने वाला है कि इस गाड़ी में इतना ज़्यादा ग्लॉस और शाइन क्यों है। गाड़ी एक तो नई है पहली चीज़, लेकिन नई गाड़ी जो होती है उसके ऊपर भी कुछ स्वेल मार्क्स होते हैं जो कि आपको ईजिली नहीं दिखते हैं, लेकिन हाँ जैसे लाइटनिंग पड़ती है तो वो विजिबल होते हैं। तो ये गाड़ी हमारे पास आई थी, लेकिन इसको हम लोगों ने प्रोटेक्ट किया है सेरेमिक कोटिंग के साथ, क्योंकि सेरेमिक कोटिंग से क्या होता है आपकी गाड़ी का जो ग्लॉस और शाइन है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो वाइट कलर्स की गाड़ी में मेन प्रॉब्लम ये आती है कि थोड़े टाइम बाद धूप की वजह से गाड़ी के कलर में डलनेस आने लगती है, येलोनेस आने लगती है, लेकिन सेरेमिक कोटिंग क्या करता है कि आपकी गाड़ी का जो कलर है उसको वाइट ही रहने देता है, येलोनेस नहीं आने देता, प्लस ग्लॉस और शाइन आपका जो है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और इसकी जो थिकनेस रहती है वो 0.1 माइक्रॉन की रहती है, आपकी गाड़ी को एक प्रोटेक्शन लेयर प्रोवाइड करता है, जिससे अगर आपकी गाड़ी पे बहुत माइनर स्क्रैचेस आते हैं तो वो आपकी गाड़ी के पेंट तक नहीं जाते हैं, क्लियर कोट के ऊपर रहते हैं। तो ये सारे बेनिफिट हैं सेरेमिक कोटिंग के, तो हम लोगों ने इसको प्रोटेक्ट किया है सेरेमिक कोटिंग के साथ। प्लस इसके अंदर जो रहते हैं, मैं आपको, आप वारंटी बोल सकते हो, वारंटी इसमें ये रहती है कि आपको पैकेजेस मिलते हैं जिसके अंदर आपको 1 ईयर का भी रहता है, 3 ईयर्स का भी रहता है, 5 ईयर का भी रहता है, 7 ईयर्स का भी रहता है। उसके अंदर क्या होता है कि आपको हम लोग हर ईयर एक लेयर प्रोवाइड करते हैं जो कि विदाउट एनी पे होती है, आपको उसके अंदर कोई पेमेंट नहीं करना होता है, आपका फर्स्ट टाइम में ही सारा पेमेंट हो जाता है। तो ये इस तरीके की वारंटी रहती है। अब ये तो थी इसके एक्सटीरियर लुक की बात, जो कि आप ग्लॉस और शाइन आप देख रहे हो कि वो किस वजह से है, लेकिन अब हम लोग इसके आते हैं पहले फॉग लाइट पे। अगर आप थोड़ा सा चेंजेस देख रहे होंगे तो जो इसकी लाइट्स है, लाइट्स में हम लोगों ने चेंज किया है, फॉग लैम्प इंस्टॉल किए हैं विद LED, जो कि LED बल्ब हम लोगों ने इंस्टॉल किया है, 220 वॉट्स के रहते हैं। इसके अंदर आपको 220 वॉट का थ्रो मिलता है, प्लस इसके अंदर अभी जैसा कि विंटर सीजन आ रहे हैं तो विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फॉग के अंदर गाड़ी को ड्राइव करने में, तो थ्रो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है, लॉन्ग ड्राइव पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर हम लोगों ने फॉग लैम्प इंस्टॉल कर दिए हैं। अब इसमें बात करते हैं हम लोग इसके डोर वाइज़र की। डोर वाइज़र हम लोगों ने कम्प्लीटली जेन्युइन इसमें इंस्टॉल किया है, आप देख सकते हो फॉर एलिवेट लिखा है, प्रॉपर जेन्युइन है, गाड़ी का लुक इससे एकदम कम्प्लीट हो रहा है। प्लस इसके साथ हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल कर दी है रूफ रेल, जो कि रूफ रेल भी जेन्युइन एलिवेट की ही यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। साथ ही में अगर आप इसके लोअर पार्ट पर नज़र डालोगे तो ये है इसका साइड स्टेपर, जो कि आप देखोगे साइड स्टेपर हम लोगों ने इंस्टॉल किया है, तो ये इस गाड़ी का कम्प्लीट लुक था एक्सटीरियर, जो कि इस गाड़ी को कंप्लीट कर रहा है। लेकिन एक छोटी सी कमी मे भी आपको लग रही होगी, वो है इसके अलॉय व्हील्स, और अलॉय व्हील्स भी हम लोग चेंज करेंगे, बट थोड़े टाइम बाद, अभी हम लोगों ने चेंज नहीं किए हैं, तो अलॉय व्हील्स का भी मैं एक बार आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये कम्प्लीट गाड़ी का एक्सटीरियर लुक था कि हम लोगों ने एक्सटीरियर लुक के अंदर क्या क्या किया है। और बाहर से अगर आप देखोगे तो मतलब ये बेस मॉडल है, बट आप इसको बोल नहीं सकते कि बेस मॉडल है, बाहर से तो ये इसका लुक हो गया। अगर मैं इंटीरियर दिखाऊंगी ना तो आप एक्चुअल में बोलो कि आप लोगों ने इतना जो टाइम लिया है ना, आपको सच में समझ आया कि हम लोगों ने इतना टाइम क्यों लिया है। तो इंटीरियर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका इंटीरियर कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेरी नज़र जा रही है वो जा रही है इस स्क्रीन पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो
होंडा एलिवेट में आता है वो सिर्फ फ्रेम दे देते हैं, प्रॉपर स्क्रीन नहीं होती है। बट हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल की है प्राइमर सीरीज की स्क्रीन और इसके साथ हम लोगों ने इसका फ्रेम भी इंस्टॉल किया है, तो प्रॉपर आपको फिटमेंट मिलने वाली है, स्पेस वगैरह आपको नहीं नज़र आने वाला है। और अगर मैं इसकी साउंड क्वालिटी आपको चेक कराऊँ तो आप साउंड क्वालिटी भी एक बार चेक कर सकते हो, बहुत ही मतलब कि साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। प्लस अगर आप इसमें क्या होता है कि स्क्रीन में प्रॉब्लम आती है टच की, बहुत ज़्यादा हैंग करता है, टच प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो वो भी मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो टच है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ईजिली चल रहा है, स्मूद है एकदम। प्लस इसमें देखिए आपको यहाँ पे मैप मिलने वाला है, मैप आप आराम से ड्राइव करते टाइम मैप यूज़ कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर आपको मिलने वाला है जिसमें आप आराम से कोई भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। इसकी अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो साउंड क्वालिटी आप खुद सुन के एक बार मुझे बताओ कि आपको इसकी साउंड क्वालिटी कैसी लग रही है। तो साउंड क्वालिटी चेक करने के लिए मैं आपको एक बार इसका साउंड सुनाती हूँ और फिर आप मुझे बताना कि एक्चुअल में इसका साउंड कैसा लगा आपको। अकॉर्डिंग टू योर मूड आप इसको यहाँ से वॉल्यूम कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। यहाँ पे आप साउंड क्वालिटी आपको सुन के पता चल गया होगा कितनी ज़्यादा अच्छी है और ये हम लोगों ने प्राइमर्स का इंस्टॉल किया है। और इसके साथ साथ अगर आप इसके इंटीरियर पे नज़र डालोगे तो इंटीरियर शायद ही आपने अभी तक ऐसा देखा होगा। तो ये कंप्लीट आप देखोगे हम लोगों ने इसके अंदर तीन कलर आपको मिलने वाले हैं, लेकिन तीन कलर के बाद भी ये गाड़ी इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ना। सेंटर में आप देखोगे आपको कंप्लीट मिलने वाला है आइस ग्रे, और अगर इसका आप साइड पोर्शन देखोगे वो आपको मिलने वाला है ग्रीन कलर का। प्लस अगर आपके इसके बैक और साइड का पोर्शन देखोगे ये आपको कंप्लीट ब्लैक मिलने वाला है। कहने को तीन कलर, अगर आप मैं बोलूँ आपको कि तीन कलर की गाड़ी है तो आप सोचोगे क्या तिरंगी गाड़ी बना दी, बट यहाँ पे आप देखोगे तो फिनिशिंग और गाड़ी का जो मतलब लुक है ना वो इतना ज़्यादा अच्छा आ रहा है। स्टिचिंग आप देखो प्रॉपर कम्प्लीटली एकदम फाइन तरीके से की गई है, कहीं से कोई धागा बाहर नहीं है। प्लस इसमें हम लोगों ने एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट ऐड ऑन किया है वाइल्ड ड्राइविंग आपको और ज़्यादा कम्फर्ट मिल सके, तो लॉन्ग ड्राइव पे भी अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। साथ ही में अगर मैं बात करूँ इसमें कुशनिंग की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक्सपर्ट है कस्टमाइज सीट्स में, तो हम लोगों ने इसके अंदर एक्स्ट्रा कुशनिंग ऐड ऑन की है जिससे आपको जो आपका कंफर्ट जोन है वो आपको वैसा ही मिलने वाला है। प्लस इसमें अगर आप आर्मरेस्ट पे भी हम लोगों ने सेम पैटर्न रखा है, आर्मरेस्ट का सेंटर हम लोगों ने रखा है प्रॉपर आइस ग्रे, साइड में हम लोगों ने ग्रीन किया है और थर्ड वर्क हम लोगों ने आइस ग्रे का ही रखा है। और कुशनिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा कुशनिंग मिलने वाली है। तो ये हमारी सीट्स थी, और अगर इसका जो पैटर्न आप देखोगे कम्प्लीटली आप देखोगे मतलब बहुत ही सिंपल पैटर्न है, लेकिन गाड़ी को इतना ज़्यादा अच्छा लुक दे रहा है। और साथ में अगर मैं टेक्सचर की बात करूँ, ये प्रॉपर हमारा आप बोल सकते हैं उसको हमारा मर्सिडीज़ लेदर है ये, जो कि हम लोगों क्या करते हैं कि बड़ी गाड़ियाँ जो होती है ज़्यादातर उनमें ही यूज़ होता है, तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ये लुक दे रहा है इस गाड़ी को। अब मैं इसकी बात करूँ, अगर आप देखोगे इसका डोर, तो डोर्स का जो पार्ट है वो भी हम लोगों ने कम्प्लीटली कर दिया है आइस ग्रे, जो कि आपको इस तरीके का नहीं मिलता है। अपर डोर पे भी हम लोगों ने लेदर इंस्टॉल किया है, प्लस लोअर डोर पे भी हम लोगों ने लेदर इंस्टॉल किया है, जिसमें आपको थ्रेडवर्क जो मिलने वाला है वो सेम आइस ग्रे का मिलने वाला है। लेकिन मे बी आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट कर रहा है कॉम्बिनेशन जो मिल रहा है वो है इसका ये पार्ट, ये कम्प्लीटली ब्लैक में रहते हैं, जो कि हम लोगों ने कम्प्लीटली पियानो फिनिश कर दिया है। और इस गाड़ी को एक अगर डोर के आप दूर से देखोगे ना तो यही एक पार्ट है जो इस डोर को कम्प्लीट कर रहा है। इसके साथ साथ अब इसके डैशबोर्ड पे एक बार नज़र मारते हैं, तो डैशबोर्ड भी आपको सेम ऐसा ही मिलने वाला है। यहाँ पे आप देखोगे प्रॉपर हम लोगों ने आइस ग्रे में लेदर इंस्टॉल कर दिया है, थ्रेडवर्क देखोगे एकदम फाइन क्वालिटी का है। प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे जो ये पैनल है प्रॉपर प्लास्टिक आता है, जिसको हम लोगों ने मैचिंग का करने के लिए कम्प्लीटली कर दिया है पियानो ब्लैक। तो यहाँ पे ये गाड़ी का जो अगर आप देखोगे ना मतलब दूर से अगर मैं एक नज़र मारोगे ना इंटीरियर पे, तो ऐसा लगेगा कि आप होंडा एलिवेट के बेस मॉडल में नहीं बैठे हो। तो इस इंटीरियर को देख के ना मतलब मुंह से यही निकलेगा भाई कि जो होंडा एलिवेट है इसको हम लोगों ने बेस से टॉप नहीं, टॉप से भी अबव बना दिया है। साथ ही में आप देखो मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ, वो है इसका स्टेयरिंग। स्टेयरिंग आप देखोगे आपको मिलने वाला है प्रॉपर डुअल टोन के अंदर, सेम कॉम्बिनेशन हम लोगों ने रखा है। हॉर्न पैड पे हम लोगों ने कोटिंग कर दी है आइस ग्रे की, और इसके साथ साथ
अगर मैं बात करूँ इसके आप और इसके साथ साथ हम लोगों ने इसमें किया है फ्लोरिंग, फ्लोरिंग पे अगर आप एक बार नज़र डालोगे ना, हम लोगों ने सेम इंटीरियर से मैचिंग की फ्लोरिंग की है। ब्लैक के साथ हम लोगों ने आइस ग्रे का थ्रेडवर्क रखा है, और जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया कि हमारी 3 लेयर फ्लोरिंग होती है, इसके नीचे हम लोग ईवा शीट इंस्टॉल करते हैं ताकि कोई लिक्विड फॉर्म आपकी गाड़ी के सरफेस तक ना जाए, उसके ऊपर हम लोग फ्लोरिंग इंस्टॉल करते हैं और उसके ऊपर हम लोग ग्रासमेट इंस्टॉल करते हैं। और ग्रासमेट्स में अगर आप देखोगे तो प्रॉपर हम लोगों ने ना इंटीरियर से मैचिंग आइस ग्रे पाइपिंग दी है, तो प्रॉपर इस गाड़ी को कंप्लीट लुक दे रहा है। साथ में अगर इसका सेंटर कंसोल आप देखोगे, यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर लेदर इंस्टॉल कर दिया है, ये पूरा पार्ट जो है वो भी हम लोगों ने कंप्लीट पियानो फिनिश कर दिया है। तो ये था इस गाड़ी का इंटीरियर मॉडिफिकेशन। और अगर मैं बात करूँ इसकी बैक सीट की, एक बार आप नज़र मारो इसकी बैक सीट पे, सेम फिनिशिंग आपको मिलने वाली है, थ्रेडवर्क आपको वैसा ही मिलने वाला है, इवन आपको कम्फर्ट जोन में भी किसी तरह की कोई कमी नहीं लगने वाली है। तो ये इस गाड़ी का कंप्लीट इंटीरियर था, और मे बी आपको यहाँ से पता नहीं विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिसके ग्लासेस हैं इन पे हम लोगों ने इंस्टॉल की है गरवारी की सेफ्टी ग्लेजिंग फिल्म, जिससे क्या होता है कि आपको हीट रिजेक्शन भी मिलता है, हीट रिजेक्शन के साथ साथ 70% विजिबिलिटी आपको मिलने वाली है। यहाँ से अगर आप इसका विजिबिलिटी देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसके ऊपर गरवारी की कोई फिल्म इंस्टॉल है, और साथ ही में एज़ पर नॉर्म से गवर्नमेंट से अप्रूव्ड भी है, तो चलान का रिस्क नहीं रहता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है विजिबिलिटी में कुछ परसेंटेज रेशियो है जो कि गवर्नमेंट ने रखा हुआ है, अगर आपकी विंडो फिल्म उस परसेंटेज रेशियो को मैच करती है तो आपका चलान नहीं कटता है, लेकिन अगर वो मैच नहीं करती है तो हाँ चलान का रिस्क रहता है। तो 70% से अबव है तो एज़ पर नॉर्म्स से चलान नहीं रहता है, प्लस हीट रिजेक्शन भी है, तो यहाँ पे हम लोगों ने साथ में वो भी इंस्टॉल कर दिया है। तो ये था इस होंडा एलिवेट का इंटीरियर एक्सटीरियर कम्प्लीट लुक। अगर इस गाड़ी को मतलब मैं बोलूँ कि टाइम हम लोगों ने बहुत ज़्यादा लिया है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत सोच समझ के और बहुत ही प्यार से हम लोगों ने इस गाड़ी को रेडी किया है, क्योंकि कस्टमर ने जैसे कि मैंने आपको बताया उन्होंने बोल दिया था आपकी गाड़ी है आप अपने अकॉर्डिंग रेडी करो, तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से इसमें काम किया है। होपफुली आपको भी ये काम अच्छा लगा हो इंटीरियर एक्सटीरियर में, तो होपफुली आपको इस गाड़ी का इंटीरियर एक्सटीरियर अच्छा लगा हो, और अगर आप भी चाहते हो ना कि मैं आपकी गाड़ी को इसी तरीके से अच्छे से रेडी कर दूँ इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों में, तो आपको आना होगा हमारे पास कास्ट राइड नोएडा में, और हमारा एड्रेस रहने वाला है D39 Sector 10, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर रहने वाला है 7278383383। अब मैं आपके साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई गाड़ी के नए मॉडिफिकेशन के साथ।